प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम डोंगरी चैनल बीट नंबर 2 पे खड़े हैं। आज हमारे चैनल को 4 साल हो गए। इसी साल में हमने मुहर्रम में फर्स्ट हमारा इंटरव्यू लिया गया था बॉम्बे प्रेस ने। बॉम्बे प्रेस की टीम हर छोटी मोटी खबर जो है लोगों को पहुंचाती है और चैनल के माध्यम से लोगों को बताती है। आज मुहर्रम की 10वीं शब है और यहाँ पे हमारे साथ डोंगरी पुलिस स्टेशन की सीनियर PI शबाना शेख मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ का आके जायज़ा भी लिया और अपने जितने भी अधिकारी उनको भी देखभाल किए कि किस तरीके से मुहर्रम का जो है प्रोग्राम किस तरीके से मनाया गया। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। बॉम्बे प्रेस में मैडम आपका स्वागत है। आज मुहर्रम की 10वीं शब है, क्या कहेंगे आज मुहर्रम के इस जुलूस को? 2 साल से मैं इस मुहर्रम के 10वीं शब के बारे में कहना चाहूँगी और आज का जो यहाँ का आलम देख के और जो माहौल देख के मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 साल में लॉकडाउन था तो शिया कम्युनिटी जो है हर तरह से मुहर्रम में जो आलम निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, उनको इस मौके पर 2 साल से निकालने के लिए नहीं मिला। और अभी रात के करीब करीब 1:30 बज रहे हैं, फिर भी कम से कम यहाँ पर जो है डोंगरी के एरिया में 20 से 25 हज़ार जो है पब्लिक है, बहुत सारे आलम निकल रहे हैं और लोग जो है बहुत मतलब बहुत पैमाने पे लोग हैं। और मुझे लगता है 2 साल में ये लोग को जो शिया कम्युनिटी को आलम वगैरह निकालने के लिए नहीं मिले तो मौका नहीं मिला, तो अभी बहुत सारे तादाद में लोग यहाँ पर आए और लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ज़ियारत कर रहे हैं। किस तरीके का बंदोबस्त आपने लगाया, क्योंकि ट्रैफिक को देखते हुए काफ़ी रोड जो है डिवाइड भी की गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? ट्रैफिक के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर बहुत लोगों की तादाद होने की वजह से किसी को कुछ तकलीफ नहीं होना और कोई किसी का एक्सीडेंट वगैरह या कोई हादसा नहीं होना चाहिए, वह हिसाब से हमने ट्रैफिक हमने जो है डाइवर्ट किया है। जो है ST बिल्डिंग है वहाँ का जो ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया है डॉक्टर महेश्वरी रोड पर, और जो शालीमार का जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया है सीधा जो है वो सीधा रोड से हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है कि जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और जो है वो आलम जो है आराम से जा सके। आपके ये कौन सा मुहर्रम चल रहा है जब से आप डोंगरी पुलिस स्टेशन में? मैं आई तब से मेरा 2nd मुहर्रम है। लास्ट टाइम लॉकडाउन में था तो जब हाईकोर्ट ने जो रिस्पेक्टेबल हाईकोर्ट परमिशन नहीं दी थी तो कुछ एक लिमिटेड आलम निकालने के लिए दिया था और वो हिसाब से रिस्पेक्टेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तब जुलूस जो था वो निकला था। और इस तरह अभी इस तरह तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो है लोग आराम से जो है आलम आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। इतनी पब्लिक जो आपने देख रहे हो, इसकी आपकी उम्मीद थी कि इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे? आपका तो ये फर्स्ट टाइम है इस तरीके का देखना? नहीं, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से देख रही हूँ हर जगह से पब्लिक आया है, भिवंडी है, मुमरा है और ऑल ओवर और महाराष्ट्र से आए हैं। और यहाँ पर जब सब मालूम लेने के बाद समझाए कि यहाँ के जो गेस्ट हाउस है वो हर पूरी तरह से फूल है, क्योंकि लोग आते हैं 10 दिन खास करके डोंगरी में, उसलिए आते जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं ज़ियारत के लिए आते हैं, आलम आते हैं इनके और उसके लिए लोग आते हैं और जो इस तरह से मुहर्रम लोग ये करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे न्याजे बांट रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये अच्छी सहूलियत है, जो इसके लिए आते हैं यहाँ पर ये मुहर्रम के प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए अच्छी सहूलियत किया है इनकी कम्युनिटी ने और खाने का और पीने का सब तरह से अच्छा बंदोबस्त किया है। डोंगरी के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं वही अच्छा सपोर्ट है डोंगरी के जो है सब कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सब कम्युनिटी के लोग हैं, सब सपोर्ट करते हैं, सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इतनी सारी तादाद है, ट्रैफिक का तकलीफ है, सब है, लेकिन कोई किसी तरह की शिकायत नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे होते हैं। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं जिन्हें आपने अक्सर देखा होगा, जितने भी जुलूस आते हैं उनको ये फॉलो करते हैं और लोगों के साथ खड़े रह के आगे बढ़ाते हैं। कई सालों से इसी कमेटी में लगे हुए हैं शिया कमेटी से। हमारे साथ इम्तियाज़ सैयद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जो आपने हर साल बढ़ चढ़ कर यहाँ पर शिया कमेटी में हिस्सा लिया? एज अ शिया तो मैं इसकी खिदमत करना अपनी इबादत समझता हूँ और साथ ही साथ हमारे देश और हमारे डोंगरी सेंक्शन में हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम इन दिनों में बाहर से हज़ारों लोग आते हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी हिफाजत की जाए, उनको हर तरीके से यहाँ पर इबादत करवाई जाए। और यही खिदमत लेकर, यही सोच लेकर आते साल का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इससे भी अच्छा प्रोग्राम कर सके यहाँ पर। 2 साल मुहर्रम नहीं मना गया, सन 1920 में और 2020 में और 2021 में, तो इस साल मुहर्रम का किस तरीके से आप आगाज़ करते हैं? 2 साल खाली हमारे नहीं, हर मज़हब के प्रोग्राम नहीं हुए और हम लोग खुशनसीब हैं
कि गणेश उत्सव से पहले हमें मुहर्रम मिला और इसके बाद हमारे बाकी भाइयों का भी प्रोग्राम्स आएंगे और दो साल के बाद जो पब्लिक उभर के आई आप देख रहे जैसे, और हमारी पुलिस की हम जितनी भी तारीफ़ करें उनकी खिदमत की, और ये लोग 10-10 दिन से मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटा भी सोए नहीं होंगे और उस पर भीग के मेहनत करना, खिदमत करना, थैंक यू बहुत कम वर्ड है इनके लिए कहना, और इनकी वजह से आज हर जगह पर एक एक चीज़ सेफ चल रही है, और साथ ही साथ पुलिस का तो थैंक यू कहना ये बड़ी बात है, साथ ही साथ BMC ने, उसमें हमारे मुस्तफ़ा पंडोरवाला साहब ने भी चांद रात से सारी एरिए में 3 टाइम साफ़ सफाई, डामर लगवाना, हर तरीके से लोगों की हिफाजत करना, इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ही हुआ आपकी, और बहुत खुश हूँ मैं कि आपकी मुहर्रम में सारे तमन्नाएं पूरी हो गई और सब ने दिल खोल कर इबादत की, मातम की। किस तरीके का किरदार निभाया पुलिस ने? पुलिस ने वही किरदार अदाया जो एक बाप का होता है, एक सीनियर जो है वो एरिया में बाप की तरह होता है, और बाप के सामने उफ करना सारी इबादतों को ख़राब करने के बराबर है। हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई हैं जो इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है BMC में, माशाल्लाह आज इनका दबदबा इस वजह से कि इन्होंने बहुत काम करके दिखाया है, तो किस तरीके से देखते हैं आज आप इस मुहर्रम को? पहले तो ये है कि 2 साल जो गए वो पेंडेमिक के गए, उसके हिसाब से ना कोई भी मज़हबी त्यौहार बनाने का अलाउड नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह इस बार जो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद में एक इजाज़त दी गई कि हर मज़हब वाले अपने अपने त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से जो भी आएंगे, चाहे वो फिर अपने रमज़ान गया, फिर अभी मुहर्रम शरीफ है, फिर आने वाले दिनों में गणपति की भी आएंगी और काफ़ी सबके त्यौहार आएंगे, तो सभी को इजाज़त दी गई है कि भाई अच्छे से बनाए, इत्मीनान से बनाए और किसी को तकलीफ़ भी ना हो, इसी बेस पे हम सब मिल के यहाँ पर ये हमारा जो इलाका है डोंगरी, यहाँ पर जो मुहर्रम बनाया जाता है यहाँ पे कई हज़ार लोग बाहर से भी आते हैं, तो वो हमारे मेहमान हैं और हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है एक इंसानियत के तरीके से कि हम उनकी खिदमत में पेश हो, उनकी खिदमत करें, और बस हमारी अल्लाह से भी यही दुआ है कि आने वाले सालों में भी हम इसी तरह इन सब की खिदमत करते रहें। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई जिन्होंने बताया कि इसी तरह से हम खिदमत करते रहेंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।